क्या है कुछ महत्व है क्या है? हाँ पता है पता है मालूम है इसके बारे में? लोगों को बताओ, लोगों को बताए है पुरानी टेक्नोलॉजी कैसी है? पुरानी टेक्नोलॉजी का नॉलेज लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए है? बिल्कुल, तो बताओ लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। हाँ, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने सर ने बताया कि पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो आज मैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या था 1997 के अंदर में, जब हमने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लिया और उसके थ्रू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया। तो वो इंस्टॉलेशन को कम से कम आपको हमको 8 घंटे लगे, और फ्लॉपी डिस्क का जो बंडल था वो काफी बड़ा था। 100 फ्लॉपी के साथ हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन किया। उसकी स्टोरी और वो सारी डिटेल यहाँ पे हम जानेंगे कि फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, उनके अंदर में कितने टाइप की फ्लॉपी और कितनी उसके अंदर में स्पेस होती है। चलिए देखते हैं। दोस्तों आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं 3.8 इंच का एक होता है, और दूसरा जो साइज है वहाँ पे हम देख रहे हैं 5.25 इंच का। दूसरा जो होता है वो होता है 1.44 इंच का, जिसका साइज वगैरह की डिटेल मैंने दे रखी है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब इसमें इंस्टॉलेशन करते थे, इस तरीके से हमें सारे कमांड्स वगैरह लिखने होते थे। जैसा कि यहाँ मैं HTML के कोड आपको बता रहा हूँ जो कमांड वगैरह होती है, लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर में वन बाय वन सारे फ्लॉपीज जब हम ऐड करते थे, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसी तरीके से होता था कि वन बाय वन सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देती थी कि ये चीज ओपन हो रही है, ये चीज लोड हो रही है। तो हम जो है एक फ्लॉपी कंप्लीट होने के बाद में इंसर्ट द डिस्क का मैसेज आ जाता था, फिर इंसर्ट द डिस्क डालने के बाद में पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता था। यानी एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने 8 से 10 घंटे लग जाते थे। इस तरीके से यूजर इंटरफेस था विंडोज 3.1 का, जहाँ पे आपको जो है कंट्रोल पैनल इस तरीके से दिखाई देता था। उसके अंदर में जो है कैलकुलेटर वगैरह भी था, और कुछ चीजें इसके अंदर में जो थी वो सारी की सारी कीबोर्ड थ्रू हमको वर्किंग करना पड़ता था। लेकिन आखिर नेक्स्ट जनरेशन में जो नया लैपटॉप कंप्यूटर हमको मिला वो इस तरीके से था, जिसमें हमने विंडोज 95, 97 और 2000 या मिलेनियम इंस्टॉल किया, जो काफी एक्साइटिंग था। अब जो आ चुका है वो CD बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हम विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 यूजिंग करते हैं, जो काफी जल्दी और फास्ट जो है इंस्टॉलेशन हो जाता है, और एक CD की कैपेसिटी 4 GB से ज्यादा 8 GB भी हो सकती है। तो ये था एक बेसिक वीडियो पुरानी टेक्नोलॉजी पे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।